और जीवन में किसी को बहुत अत्यधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो और सोच लो कोई है सोई जो राम रची राखा, भगवान ने जो रच दिया है वो होकर के रहेगा। उत्तानपाद सुरुचि को लेकर के आए हैं, रूप पर मुग्ध है, लेकिन सुरुचि जब महलों में आई तो देखती है उनकी पत्नी वहाँ विराजमान है। परिचय पूछने पे पता चला ये हमारी पत्नी है। तो उत्तानपाद जी ने कहा, सुरुचि कहती है यदि आपकी पत्नी यहाँ थी तो आप मुझे यहाँ लेकर के क्यों आए, और महल में तो केवल एक ही रहेगी, या तो ये रहेंगी या तो मैं रहूंगी। अब ऐसी स्थिति में जीव को जब माया घेरती है तो बताओ जरा, जिसके पूरे के पूरे जीवन को माया की बेड़ियों ने जकड़ रखा हो, क्या उसे सत्य का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान पल्ले पड़ेगा? चारों ओर से तो माया की बेड़ियों ने जकड़ा है, तो कोई कितना भी ज्ञान दे दे, सत्य को बता दे, वो बार बार उसमें कुतर्क ही करेगा। तर्क एक अलग चीज होती है। तर्क करता है कौन? जिज्ञासु भक्त। बहुत ध्यान से सुनना, जो जिज्ञासु होता है, भक्त होता है, वो थोड़ा तर्क करता है, तर्क करके मंथन करना चाहता है और मंथन करके कुछ ना कुछ ज्ञान रूपी माखन निकालना चाहता है। लेकिन जो लेकिन जिसका ध्येय केवल और केवल इधर उधर की बातों को करना है, और जो पूर्णतया नास्तिक है वो केवल कुतर्क करेगा और हर बात का खंडन करेगा। और ऐसी स्थिति में उत्तानपाद जी के मन मस्तिष्क में माया की छाया ऐसी छा गई कि उनको धर्म क्या है वो उस घड़ी में नजर नहीं आ रहा है। और ऐसी स्थिति में गर्भवती पत्नी को उन्होंने महलों से बाहर निकाल दिया, सुरुचि की माया में पड़ करके, और धर्म भूल गए। और सुनीति इतनी सद्मार्गी है कि सुनीति को पति ने महल से निकाल दिया, कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, महल से निकली है, पास ही एक पर्णकुटी बना करके निवास करने लगी है, संतों के आश्रम में जाती है, सुंदर भजन कीर्तन सत्संग का श्रवण करती है। और महाराज श्रवण करते करते उनके यहाँ देखो जरा, सद्मार्ग में चली है, सत्संग कर रही है, कीर्तन कर रही है, और गर्भवती है। और ऐसी स्थिति में जब उनका पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो कोई साधारण नहीं हुआ, महान भगवत भक्त जिनका नाम है ध्रुव जी महाराज, मिलकर के जयकार लगाएंगे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। भजन कीर्तन प्रारंभ है, चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पुत्र की प्राप्ति हो गई तो अब कीर्तन बंद हो गया। हमारे जीवन की इच्छाएं पूरी होती है तो हम क्या करते हैं, भगवान को ही सबसे पहले भूल जाते। इच्छा पूरी हो गई, अरे हमारे करने से हुई है, हम ना करते तो भगवान अभी तक कर नहीं रहे थे, यही चल चल। और हमें तो ये लगता है अगर भगवान भी प्रत्यक्ष आ जाए तो ये मनुष्य ऐसा है कि दिन भर में 10 बातें भगवान को भी सुनाने से पीछे नहीं हटते। सरकार ये संतों से और इन भक्तों की कथाओं से सीखिए, ये जितना भी सब चल रहा है ये सब उसी की मर्जी से चलता है। संत जन आते हैं, यदि आप कभी कुमार में जा रहे हो तो वो आपको चिताते हैं, चिता रहे हैं, भगवान के भेजे हुए दूत हैं, और तो भी कोई ना समझे तो वही बात हो गई कि जैसे कि एक बार एक पंडित जी कथा कह रहे थे, उन्होंने कहा सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, एक बावला भक्त बोला सबके अंदर भगवान, सबके अंदर भगवान है। कथा से लौट के गया, सामने से एक मदमस्त हाथी चला आ रहा है और वो बिल्कुल बावला हुआ है, पागल हुआ है। और सरकार वो ऐसे बावला पागल होकर के मस्त होकर के चला आ रहा है, तो वो जो सामने खड़ा है ना कथा सुन के जो गया, बोले पंडित जी ने कहा सब में भगवान है,
जड़ चेतन सचराचर कोई भी हो, जब सब में भगवान है तो इस हाथी में भी भगवान होगा। खड़ा रहा, बोला नहीं हटेंगे, भगवान है मारेगा थोड़ी, नहीं हटा। हाथी आगे बढ़ रहा था, ये महाराज जी खड़े थे तो हाथी आया, उठा के दे मारा, पटक दिया। अब अगले दिन जब टूटे फूटे थोड़ा बहुत उपचार करके कुछ चलने की सामर्थ हुई ना, तो पंडित जी के पास गए। अब पंडित जी कहने लगे, पंडित जी ने देखा, बोले ये तेरी स्थिति, कल तक तो ठीक था। बोले पंडित जी सब तुम्हारे कारण हुआ है। बोले क्यों? बोले तुम्ही ने कल कहा था कथा में, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। हम ऐसे ऐसे गए, हमें लगा हाथी में भी भगवान है, उसने तो हमें दे मारा। तो पंडित जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, हाथी में भगवान तुम्हें नजर आ रहे थे, क्या तुम जब वहां खड़े थे तो तुम्हें वहां से हटाने के लिए किसी ने बोला नहीं, किसी ने रोका नहीं? बोले बोला था, हाथी के ऊपर महावत बैठा था, वो बार बार कह रहा था हट जाओ हट जाओ। तो बोले मूर्ख, कही के तुझे हाथी में भगवान नजर आ रहा था, जो ऊपर बैठा हट जाओ कर रहा है उसमें भगवान नजर नहीं आ रहा। उसमें भगवान नजर नहीं आ रहे, वो हाथी में भगवान नजर आ रहा है। और इस प्रकार की बुद्धि को लेकर के महावत कौन गए? संत जन, गुरु जन, वो बार बार समझा रहे, चिता रहे, ये मार्ग ठीक नहीं है, हट जाओ नहीं तो ऐसे ही टूट फूट के कभी पड़े रहोगे कहीं। लेकिन ना, लेकिन ना सरकार, ये जीव की स्थिति है, मनुष्य की स्थिति है, इसलिए ही हमारे जीवन का रोना और हमारे जीवन का दुख कई कथा सुन लेने के बाद भी समाप्त नहीं। तो सुनीति धर्म पर चलती रही है। और एक दिन संतों ने कहा कि सुनीति तू इतना भजन करती है, इतना कीर्तन करती है, एक काम कर, आज हम लोग इतने प्रसन्न गए तेरी भक्ति देख करके, कुछ मांग ले, कुछ देने की इच्छा है। तो सुनीति ने कहा, सरकार मेरे पास में तो सब कुछ है, एक संतान की कमी थी, वो संतान भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी यदि आप देना चाहें तो मेरी छोटी बहन है, नाम है सुरुचि, अभी तक उसे कोई संतान नहीं है। संतों ने कहा, वारी सुनीति, जिस सुरुचि के कारण तुझे महलों से बाहर निकाल दिया गया, तो उस सुरुचि के हित के लिए कहती है, ये भारत देश की नारी है और ये ही एक भक्त की माँ हो सकती है, जो सर्व कल्याण का विचार करे, वो एक ऐसी स्त्री हो सकती है। और तब संतों ने कहा, वैसे तो हम सुरुचि को ये ना कहते, लेकिन तू कह रही है, इसलिए जा, उसे भी अति शीघ्र एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और सुरुचि के यहाँ समय बीता और एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम हुआ उत्तम। आप सभी जानते हैं कहने का तात्पर्य है, सुनीति सद्मार्ग की ओर चलोगे तो आपको ध्रुव पद की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव मतलब भगवान का बैकुंठ, बैकुंठ मतलब जो समस्त कुंठाओं से रहित है, जहाँ दुख क्लेश राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार का लेश मात्र रंच मात्र भी स्थान नहीं। और संसार के जगत के पदार्थों में रुचि रखोगे तो जगत के उत्तम उत्तम पदार्थ तो मिल जाएंगे, लेकिन ध्रुव पद मिलने वाला नहीं।